अम्मी, आप अंदर जाइए ना। मैं तुम दोनों को अपने बेटे की निकाह का दिया दावतनामा खारिज करता हूँ। आने की कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों माँ बेटे बगदाद में दाग है, दाग। धक्के मारकर बाहर निकालो इन्हें। कीजिए आप लोग, बस कीजिए। खबरदार जो आप किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला तो हमारे घर में खड़े होकर आप हम पर उंगली उठा रहे हैं। हम तो उंगली उठाएंगे मियां, और आवाज उन्हें उठानी चाहिए जिनकी अपनी कोई औकात हो। ये तो ऐसा दहाड़ रहा है जैसे इसका बाप आज भी बादशाह का वजीर हो। बड़े आए इब्ने बतूता खानदान वाले। ठीक है, चाहिए आप लोग, चाहिए, चाहिए, जा सकते हैं आप लोग, चाहिए। अलादीन, रुक जाओ। कल सुबह तक हमारी उधारी वापस कर देना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझे? चलो, हाँ, चलो। कसम सोने की अशरफियों की, आग लगे इन सबकी जबान को। गुल्लू बेटा घर चल, और ये भी उठा ले। क्या तूफान था। अबू मर गए क्या? अबू दरवाजा खोलिए अम्मी। आप इस घर में थे तो लोगों को कितना फख्र होता था यहाँ आने पर। हाँ, कितनी रौनक थी, कितनी खुशियां थी। मुझे लगा था आज अलादीन को भी उसके हिस्से की खुशियां मिल जाएंगी, जैसे सब उसके अब्बू की इज्जत करते थे, उनसे मोहब्बत करते थे। अलादीन से भी करेंगे, पर उसकी किस्मत में शायद अभी और इम्तिहान लिखे। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलिए अम्मी। अम्मी आप भी तो सिखाया ना मुझे कि हमें दूसरों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। और अच्छा तो हुआ कि वो लोग चले गए। आप अपने हाथों से खाना पकाती हैं तो उस खाने में अपने आप मोहब्बत मिल जाती है अम्मी। उस मोहब्बत को, उन दुआओं पर इन जैसे लोगों का कोई हक नहीं है अम्मी, कोई हक नहीं है। आपने मुझे रोक लिया, क्यों रोका आपने? आप अगर मुझे नहीं रोकती तो मैं सबको सबक सिखाता, वही करता जो आप करती हैं। सबको बकरी की पूंछ से बांधता और बार बार ताली बजाता और उनका चेहरा बीच में लाता। कितनी हिम्मत कैसे हुई अम्मी? हमारा ताल्लुक तो इब्न बतूता के खानदान से है ना अम्मी। अम्मी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। हजार 992, 9993। मुफ्त खोरो, क्या हो रहा है? जीजा जी देखिए ना, इतनी मेहनत से मैंने 10,000 अशरफिया गिन कर रखी थी, इसने मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया। बेवकूफ, तुम दोनों को क्या लगा मैं सच में उस काले चोर को 10,000 अशरफियां दे दूंगा? आका, आका मुझे माफ कर दो आका, ये सब मेरी गलती है। मैं नहीं, तुमको और अम्मी को। वो मेरी अम्मी है। और तुम्हारी वजह से मेरी अम्मी की आंखों में आंसू आया है जिन्नू। मुझे माफ कर दो आका। तुम्हारे माफी मांगने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। मुझे एक बार मौका दो आका, मैं अपने जादू से सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या कर सकता है तुम्हारा जादू? आप क्या कर सकता है? सब कुछ। हाँ, जो कुछ भी हुआ उससे मेरी अम्मी का दिल टूटा है। क्या तुम्हारा जादू मेरी अम्मी का दिल जोड़ सकता है? माफ करना आका, मगर ये जादू वादू दिल पर नहीं चलते। तो फिर किस पर चलता है और किस काम के हो तुम और तुम्हारे ये जादू? हाँ आका, आका। गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम्हें चिराग से बाहर निकाला। तुम इस चिराग के अंदर ही रहने लायक हो। आका, आका, अलादीन नाम तो सुना होगा। मैं घर किसी भी कोने में रह लूंगा, मगर मुझे चिराग के अंदर मत जाने को कहो। मुझे चिराग में डर लगता है। लेकिन अगर तुम बाहर रहे तो मेरी अम्मी के आंखों से आंसू निकलेंगे, उनका दिल टूटेगा, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा जिन्नू। एक आका होने के नाते मैं तुम्हें अभी हुक्म देता हूं कि तुम इसी वक्त इस चिराग के अंदर चले जाओ। जाओ। जल्दी करो। करता हूं। जैसे ही जिन्नू इस चिराग में वापस जाएगा, ये चिराग ले जाकर मैं और शरीफ आदमी के हवाले कर दूंगा और अपना इनाम ले लूंगा। ये काले चोर का इनाम है। सुबेदार अकबर, इन लोगों को एक नजराना दिखाएं आप। जी हुजूर। मरा नहीं है वो, सिर्फ बेहोश हुआ है। जैसे ही वो काला चोर जादुई चिराग तुम लोगों को देगा, बिल्कुल इसी तरतीब से तुम उसे बेहोश करके मेरे पास ले आओगे। अरे मगरमच्छ बहुत भूखे हैं। काले चोर के मरते ही जादुई चिराग का राज ही रह जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? चिराग में जा रहा हूँ। तरबूज चम्मच में आ सकता है? नहीं। तो तुम कैसे इसमें आओगे? पता नहीं। जादू करो। हैं? जादू? अच्छा, करता हूँ। आते बाते दही चटाके, जादू वाले चले पटाखे, चिराग के अंदर जाना है, जिन्नू को फर्ज निभाना है। आका, चिराग अब बड़ा हो गया, अब हम दोनों इस चिराग के अंदर रह सकते हैं। तुम्हारे इतने बड़े चिराग में रहने से तो अच्छा है कि तुम अपने गले में एक तख्ती टांग लो और लिख लो कि मैं जिन हूँ। सच? नहीं, जाओ और उस चिराग को छोटा करो। चूक मका, आते बाते दही चटाके, पैर छोटा पेटू मोटा, चिराग चिराग हो जा छोटा। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। आका देखो, मैंने चिराग छोटा कर दिया। अब जैसे मालिका ने तुम्हें जादू करके इस चिराग के अंदर डाला था, वैसे ही जादू करके तुम भी इस चिराग के अंदर जाओ। आका, वो जादू तो सिर्फ मालिका को आता है, मुझे नहीं आता। तुम्हें क्या आता है? तुम कुछ मत करो, तुम ये चिराग मुझे दो। ये लो आका। आका, मेरी नाजुक उंगली इस चिराग में फंस गई है। तुम एक काम करो, तुम इस चिराग को पकड़ो, मैं अपनी वो उंगली बाहर खींचता हूँ। ठीक है। जिन नहीं हो, बर्बादी हो तुम। मगर क्यों डांट रहा है उसे? अम्मी, एक मटका ही तो टूटा है बस। मुझे बचा लो अम्मी। बाहर निकलो। तुम्हें क्या लगता है? तुम अम्मी के पीछे छुप जाओगे तो बच जाओगे? बाहर निकलो। अच्छा, छोड़ उसे। अम्मी, आपको पता नहीं है, इस जिनू की वजह से पूरे घर में तूफान आया था और ये दावत की धज्जियां उड़ गई। हिसाब तो हम मुच्छर से लेकर रहेंगे। बगदाद का दुश्मन हमारा दुश्मन। लेकिन उसे रोकने के लिए हमें उसकी अगली चाल का पता लगाना जरूरी है। पर कैसे? काली किताब में सब कुछ पहेलियों में है बस। शहजादी, नहीं, क्या कर रही है आप? इस टमाटर को अपना निशाना मत बनाइए। एक एक टमाटर बगदाद में मोती के बराबर बिक रहा है। शहजादी, हमें तो ऐसा लगता है कि इस टमाटर के चक्कर में ना जंग छिड़ जाएगी। क्या? हाँ, बगदाद में टमाटर महंगे हो गए और हमें खबर तक नहीं है। अरे, आप शहजादी है, आपको किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। देखिए, अपनी उम्र को सच बताने वाली औरतें मिल जाएंगी, लेकिन ये लाल टमाटर नहीं मिलेंगे। लाल टमाटर? आप समझे? अरे शहजादी, ये मासूम तो एक फूंक तक तो मार नहीं सकता, और तू कह रहा है इसकी वजह से तूफान आ गया। मगर अम्मी, गलती मेरी है, मेरी वजह से। जीनू बेटा, तेरी वजह से तूफान कैसे आ सकता है? अम्मी, मेरे हाथों से। हाँ, अपने हाथों से जाकर खिड़की खोल दी और सारी बाहर की हवा अंदर आ गई, इससे तूफान आ गया। इससे कोई खत लिखा था और तूफान को बुलाया था। हाँ, अब आ गया तो आ गया, इस बेचारे इंसान की क्या गलती है? इंसान नहीं है अम्मी। हाँ, ये तो एक मासूम सा फरिश्ता है। अलादीन, जिंदगी में जब तकलीफें आती है तो उनका इल्जाम दूसरों के सर पे नहीं डालते। तकलीफों से लड़ना सीख। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। लेकिन मेरी हिम्मत तो आप है अम्मी। बस तुझे भूख लगी होगी ना, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। खाना? वल्ला वल्ला आ गई गरीबी। इसने पहले ही 10 किलो बिरयानी खा ली और अभी तक एक डकार भी नहीं मारा। तू इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मान, इसे जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है। मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। हाँ अम्मी। ये खबर देकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। शहजादी, हमने आपको बुरी खबर दी है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ पिद्दी, तुमने मुच्छड़ की सबसे बड़ी पहेली का खुलासा किया है। क्या? वो कैसे? हम समझ गए। टमाटर के भाव बढ़ने का कारण कोई और नहीं बल्कि ये मुच्छड़ ही है। टमाटर और मुच्छड़? देखो पिद्दी, इस काली किताब में सब कुछ पहेलियों में लिखा है। जैसे कि ये लल्लू को बाजार से उठाकर इस्पानिया भेज दिया जाए। हमें पहले लगा था कि लल्लू किसी इंसान का नाम है, लेकिन अब तुम्हारी बात सुनने के बाद हमें पूरा यकीन है कि लल्लू किसी इंसान का नाम नहीं बल्कि ये लाल टमाटर है। लल्लू टमाटर है, टमाटर को बाजार से उठाकर इस्पानिया क्यों भेज रहे हैं? हम तुम्हें बताते हैं। पिद्दी, हमारा शक सही था। इस्पानिया में इस महीने टमाटर मार खेल होता है, इसलिए उस मुच्छड़ ने सोचा होगा कि बगदाद से सारे टमाटर लेकर इस्पानिया में बेच दिए जाए। इतना बड़ा धोखा! यहाँ हमारे लोग भूख से मर रहे हैं और इस मुच्छड़ को बगदाद को बर्बाद करना है। हुड़ हुड़ मुच्छड़, हुड़ हुड़ मुच्छड़, हुड़ हुड़ मुच्छड़। चमन गंजा, बताइए क्या खबर है लल्लू के बगदाद छोड़ के जाने की? जनाब, अभी पता लगाता हूँ। जनाब, लल्लू का आखिरी गुलदस्ता भी तैयार है। बस अब कुछ ही घंटों में टमाटर के सारे गुलदस्ते जंगल के रास्ते से हिस्पानिया के सफर पर निकल पड़ेंगे। काबिल तारीफ, काबिल तारीफ तुम्हारा ये हुनर परिंदों से बात करने का। वाह, तुम जानते हो तुम्हारे इस हुनर की वजह से तुम हमारे कितने काम आते हो। हुजूर, मेरी सारी उम्र जंगल में परिंदों के बीच बीती है, इसीलिए ये हुनर सीख पाया और आज आपके भी काम आ पाया। हमने बादशाह की बादशाही के साथों साथ टमाटरों को भी कैद कर लिया। बगदाद की आवाम बादशाह को कभी माफ नहीं कर पाएगी। हमने धीरे धीरे बगदाद की आवाम को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है कि बस एक छोटी सी चोट पर आवाम बादशाह की दुश्मन बन जाएगी। वैसे तो आवाम बादशाह सुल्तान के खिलाफ चली जाएंगी। नहीं बिट्टी, इस किताब के हिसाब से आज रात बगदाद से सारे टमाटर इस्पानिया भेज दिए जाएंगे। शहजादी, फिर तो अभी इतला कर देनी चाहिए सुल्तान को। नहीं पिद्दी, अब्बा हुजूर की तबीयत ठीक नहीं रहती है, हम उन्हें इस वक्त परेशान नहीं कर सकते। और अब हम जो भी करेंगे खुद से करेंगे। पर शहजादी, इसमें तो बहुत खतरा है और आपको तो ये भी नहीं पता कि सारा माल छुपा के उन लोगों ने कहाँ रखा है। इस्पानिया पहुँचने के लिए बगदाद की सरहद पर एक सरसब्ज है और ये जो निशान है इसका मतलब है कि एक बहुत ही घना सरसब्ज है जिसका नाम है बेचिराग बियाबान। हमें पूरा यकीन है कि वो मुच्छड़ और उसकी पलटन इसी सरसब्ज में अपने काम को अंजाम देंगे। हमें इसी वक्त वहां जाना होगा। अम्मी मेरा काम देख के बेहद खुश होंगी। रुको रुको, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होता है। वो सब छोड़ो, तुम मुझे पहले ये बताओ कि मलिका ने तुम्हें चिराग के अंदर कैसे डाला था। अपने बुझते दिमाग पर जोर डालो। आका, उस खौफनाक रात के बारे में सोच के भी मेरी रूह कांप जाती है। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। गरीबी तो मिटानी है, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया है। कम से कम इतनी सी तो बात मान लो मेरी, कोशिश करो, याद करो जिनो, याद करो। जो हुकुम आका, अलादीन नाम तो सुनाऊंगा। करो करो। चलते हैं दुश्मन हमारे एक दहकती आग में। कैद होगा तू हसन आज से इस चिराग में। याद आ गया तुम्हें जादू? याद आ गया? फिर से कुछ उल्टा हो गया क्या? इसे नहीं रोका तो ये पूरा का पूरा घर गिरा देगा। बेटा अलादीन, कहीं अम्मी कमरे में ना आ जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.